क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे तेज मिसाइल भारत के पास है, जिसका नाम है शौर्य। क्या आपको पता है ब्रह्मोस 2 मिसाइल की स्पीड 7.5 मैक है, यानी साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज्यादा तेज। क्या आप जानते हैं दुनिया की 12 सबसे तेज मिसाइल्स की सूची में भारत की 4 मिसाइल्स शामिल है। आज इस वीडियो में हम दुनिया की 12 सबसे तेज मिसाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी मारक क्षमता और स्पीड इतनी है कि सुनकर विश्वास ही नहीं होता। तो चलिए शुरू किया जाए। मिसाइल नंबर 12। नंबर 12 पर आती है ब्राजील की AVTM-300 मिसाइल। ये एक क्रूज मिसाइल है जो जेट इंजन से प्रोपेल की जाती है। एवी ब्रास कंपनी ने इसे दिसंबर 2001 में बनाकर ब्राजीलियन आर्मी को सौंपा था। इसका वेट है 1140 किलो और लेंथ है 5400 मिलीमीटर। इस मिसाइल के पास 200 से 500 किलो तक वॉरहेड यानी विस्फोटक सामग्री ले जाने की क्षमता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है मैक 0.85 यानी 1049 किलोमीटर पर आवर। इसका गाइडेंस सिस्टम GPS पर काम करता है। ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो ये करीब 300 किलोमीटर है और अगर इंजन का पावर बढ़ा दिया जाए तो रेंज 1000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। ये मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट है, जिसे एस्ट्रो सिस्टम के लिए अपडेट किया जा रहा है। मिसाइल नंबर 11। अगला नंबर आता है भारत की निर्भय मिसाइल का। ये मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। इसका वजन है 1500 किलो और लेंथ है 6 मीटर। ये करीब 200 से 300 किलो तक न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के फोरहेड कैरी कर सकती है। ये मिसाइल 2 स्टेज में लॉन्च होती है। पहली स्टेज में मिसाइल के टेक ऑफ के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर का यूज किया जाता है, जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी में डिजाइन किया है। फिर सेकेंड स्टेज में टर्बो फैन या टर्बो जेट का यूज किया जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है मैक 0.9 यानी करीब 1111 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस मिसाइल की स्पीड एक पैसेंजर जेट से भी ज्यादा है। इसका गाइडेड सिस्टम RNG नेविगेशन और GPS सिस्टम पर काम करता है। मिसाइल नंबर 10। फिर आती है रशिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल KH-101। ये मिसाइल 450 KGF NPO सैटर्न TRDO 50A इंजन से प्रोपेल होती है। इसकी स्पीड है मैक 1.03 यानी 1271 किलोमीटर पर आवर। इसकी ऑपरेशनल रेंज यानी मारक सीमा है 4500 से 5500 किलोमीटर तक, यानी ये मिसाइल 5500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट पर बिल्कुल सटीक हमला कर सकती है। इसकी लेंथ है 7.45 मीटर और वजन है 2400 किलो। मिसाइल नंबर 9। AGM-28 हाउंड डॉग USA की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो 13 सितंबर 1960 को सर्विस में आई थी। मैन्युफैक्चरर है नॉर्थ अमेरिका एविएशन। इस मिसाइल का वजन है 4603 किलो, लेंथ है 12.95 मीटर और ये करीब 790 किलो तक वॉरहेड कैरी कर सकती है। इसके इंजन का नाम है प्रैट एंड व्हिटनी J-52P3 टर्बोजेट और स्पीड है मैक 2.1 यानी 2593 किलोमीटर पर आवर। मिसाइल नंबर 8। फिर से रशिया का नंबर आता है। P-800 ओनिक्स मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो रामजेट थ्रस्ट 4 टन्स इंजन यूज करती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर पर आवर। इसकी लेंथ है 8.9 मीटर और वेट है 3000 किलो। ये मिसाइल हवा और जमीन दोनों जगह पर डिप्लॉय की जा सकती है। ये मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर काम करती है, जो एक्टिव रेडार, होमिंग पैसिव रेडार, सीकर हेड नेविगेशन सिस्टम से जुड़ा होता है। ये मिसाइल सीरियन सिविल वॉर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुकी है। मिसाइल नंबर 7। फिर से रशिया की ही एक मिसाइल का नाम आता है लिस्ट पे। इस मिसाइल का नाम है मिसाइल P-700 ग्रेनाइट, जिसकी स्पीड है करीब मैक 2.5 प्लस यानी 3087 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। ये एक नेवल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज है 625 किलोमीटर। इसका वजन है 7000 किलो और लेंथ है 10 मीटर और ये करीब 750 किलो वॉरहेड तक कैरी कर सकती है। मिसाइल नंबर 6। इंडिया और रशिया की साझा टेक्नोलॉजी से तैयार हुई मिसाइल ब्रह्मोस का नाम दो नदियों पर आधारित है, इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कवा नदी। ये एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड है मैक 3 यानी 3704 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड की ये पहली मिसाइल रह चुकी है। ये स्पीड इतनी है कि गन की बुलेट से भी 3 गुना ज्यादा तेज है।
इसका नेविगेशन सिस्टम इंडियन चिप G30M का यूज करता है। इस मिसाइल का वजन है 3000 किलो और लेंथ है 8.4 मीटर। ये करीब 200 से 300 किलो तक वॉरहेड कैरी कर सकती है। लॉन्च के दौरान फर्स्ट स्टेज पर सॉलिड रॉकेट बूस्टर इंजन का यूज किया जाता है और सेकंड स्टेज पर लिक्विड रामजेट इंजन का यूज किया जाता है। दोनों इंजन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से मैन्युफैक्चर किए हैं। मिसाइल नंबर 5। फ्रांस की एयर सोल मोइनी पोटी यानी ASMP मिसाइल पांचवें नंबर पर आती है। इसकी स्पीड भी मैक 3 यानी 3704 किलोमीटर पर आवर है। ये एक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इसका वजन है करीब 860 किलो और लेंथ है करीब 5.38 मीटर। इस मिसाइल के लॉन्च के लिए लिक्विड फ्यूल रामजेट इंजन का यूज किया जाता है। ये मिसाइल 200 से 2000 किलो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। मिसाइल नंबर 4। अगली मिसाइल है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई पर्सियस मिसाइल। इसकी स्पीड है मैक 5 यानी 6174 किलोमीटर पर आवर। इसकी ऑपरेशनल रेंज है करीब 300 किलोमीटर। मिसाइल नंबर 3। अगली मिसाइल है USA की AGM-183 ARRW। ये एक एयर लॉन्च्ड एयर रिस्पॉन्स हाइपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइल है। ये अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है। ऐसा अनुमान है कि तैयार होने के बाद इस मिसाइल की स्पीड मैक 5 से भी ज्यादा होगी। मतलब एक सेकंड में ये मिसाइल 1.7 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर लेगी। आपके एक पलक झपकने की देर में ये मिसाइल 2 किलोमीटर दूर चली गई होगी। है ना अमेजिंग। मिसाइल नंबर 2। लीजिए, फिर से आ गया हमारा हिंदुस्तान। भारत और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है, जिसके तहत ब्रह्मोस 2 का निर्माण किया गया है। ये मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसकी स्पीड होगी मैक 7 यानी 8643 किलोमीटर पर आवर यानी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन से 17 गुना ज्यादा तेज है। आप सोच सकते हैं ये मिसाइल कितनी तेज होगी। इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 450 किलोमीटर होने का अनुमान है। पहले नंबर के मिसाइल के बारे में बोलने से पहले, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मिसाइल की तेजी से कर दीजिए, नहीं तो आपको कई अमेजिंग फैक्ट से हाथ धोना पड़ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी मिसाइल है नंबर 1 पे। मिसाइल नंबर 1। अब बात करते हैं नंबर 1 की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। नंबर 1 पर आती है मेरे और आपके, हम सभी के भारत की ही शौर्य मिसाइल, भारत का स्वाभिमान शौर्य मिसाइल। कैनिस्टर द्वारा लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है, जिसे डिजाइन किया है DRDO ने। इसे इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए तैयार किया गया है। इसकी स्पीड है 7.5 मैक यानी 9188 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, दुनिया की सबसे तेज जेट एयरक्राफ्ट लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड से भी ये मिसाइल 2.5 गुना ज्यादा तेज है। ये कम एल्टीट्यूड्स पर भी मैक्सिमम स्पीड गेन कर सकती है। इसकी लेंथ है 10 मीटर और वजन है 6170 किलो। इसकी ऑपरेशनल रेंज है 700 से 1900 किलोमीटर। ये मिसाइल 200 से 2000 किलो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। ये उड़ते हुए अपने एक्सिस पर लगातार घूमती रहती है ताकि हीट को चारों ओर इवनली स्प्रेड कर सके। इसका नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड एक्सेलेरोमीटर। इसकी कंट्रोल टेक्निक्स भी बहुत हाई टेक है। ये तो निश्चित है कि इस मिसाइल ने दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ा दी होगी। इस एक मिसाइल ने इंडियन आर्मी को इतनी ताकत दी है कि भारत ने शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम वाले देशों की सूची में बहुत ऊंचा स्थान हासिल कर लिया है। भारत की इस उपलब्धि पर गर्व से छाती फूल कर 56 इंच की हो जाती है। वेल डन इंडिया। तो ये थी दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक मिसाइल्स, दुश्मनों के लिए जिनका नाम ही काफी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आगे भी इसी तरह के नॉलेजेबल फैक्ट्स की बारिश आप पर लगातार होती रहेगी। इसी तरह रोचक तथ्यों से भरे अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आपके नॉलेज और एंटरटेनमेंट के लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे।